घर पर, यस या नो? और वो और कोई नहीं, हमारे वो ग्रेट महागुरु जी हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी आवाज पर आज पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर बिजनेस होता है दोस्त मेरे। और वो और कोई नहीं, मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ सर को आमंत्रित करता हूं, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री लाल बहादुर शर्मा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सारे लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा इधर में चपरासी बनाने की बात चल रही है, लाखों की बात चल रही है? लाखों की बात चल रही है। अच्छा लाखों की बातों पे भी ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे जीएसटी देनी हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी मीटिंग में पहली बार आए? अरे वाह, बहुत है महागुरु जी। अच्छा ऐसे कितने हैं जो जबरदस्ती लाए गए पे, ज्वाइन नहीं हुए अभी? हंस रहे हो यार। चलिए जी, आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ पहले। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी में ही, हम यूपी में बैठे हैं ना, अमेरिका में तो नहीं है, तो मेरी बात समझ में आ सकती है, मैं समझा कहीं बाहर तो नहीं हूं किसी और दुनिया में। यूपी में ही डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर तहसील खुर्जा के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। बहुत छोटे से किसान के घर में मैंने जन्म लिया है और जब मेरी स्कूली शिक्षा हो रही थी, वैसे ज्यादा नहीं है, आप समझ रहे हो मैं कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी नहीं हूं भाई, मैंने अपनी शिक्षा को एक स्वयं डिग्री दे रखी है। जानना चाहते हो कौन सी है? LLMP लगाओ गुणा भाग, लटक लटक के मैट्रिक हूं मैं, छठी में फेल हुआ। पिताजी ने कहा, वैसे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, छठी में फेल हुआ तो पिताजी का मम्मी का कोई डर नहीं था, डर इसलिए नहीं था, बहुत लाडला था मैं अपने माँ बाप का, क्योंकि फर्स्ट आइटम था मैं अपने माँ बाप का, बड़ा लड़का था, बहुत प्यार से रखते थे मेरे को। अब फेल हो गया तो कोई भी स्टूडेंट अगर फेल होता है तो उसे सबसे ज्यादा डर कहां लगता है? अपने घर में मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा, कहीं कहीं तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, हाँ कि ना? पर अपने को अपने पेरेंट्स का कोई डर ही नहीं था, हंसते हुए घर को आए तो पिताजी बोले, भाई क्या बात है, मैंने कि फेल होके आए, बोला कोई बात नहीं है दोबारा पढ़ ले। तो मैंने छठी में दोबारा एडमिशन ले लिया, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, पढ़ाई वढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, थोड़ी टीपम टापम कर करा के छठी पास कर ली, थोड़ा नकल वकल कर करा के फिर सातवीं कर ली, और फिर जैसे ही आठवीं में गए फिर फेल हो गए। फिर हंसते हुए आ रहे हैं तो पिताजी ने समझा, बोला पास हो गया दीखे, बोला पास हो गया क्या? नहीं तो फेल हूं। बोला तू फेल पे इतना हंस रहा है, पास पे कितना हंसता? मैंने कि पास पे तो शायद हंसी नहीं आती। पिताजी बोले इधर आ। मैंने हाँ आगे तो बोलो। बोला देख तूने 10 पास नहीं किया ना तो तेरी शादी नहीं करूंगा। मैंने कि क्या मतलब? बोला पक्का बता रहा हूं। दोस्तों वो 10वीं जो है पास कर ली थी शादी के चक्कर में, रियली में। आप ताली बजा रहे हैं यार, शादी एक ऐसा लड्डू है साला, जिसको मिल जाए वो भी परेशान है और जिसे न मिले वो और ज्यादा परेशान है। शादी हो गई कोई बात नहीं, हम तो समझ रहे थे कि हमारे माँ बाप के ऊपर एहसान है हमारा, पर अभी कुदरत की लीला देखो हमारी जिंदगी में क्या चलता है। पहले नंबर पर लड़की,
कोई टेंशन नहीं, वो तो पिताजी की मर्जी, पिताजी के ऊपर है, हमें क्या लेना देना। क्यों जी, समझ रहे हो, टेंशन ही नहीं। दूसरे नंबर पर लड़की, कोई टेंशन नहीं। तीसरे नंबर पर लड़की, कोई टेंशन नहीं। भाई साहब चौथे नंबर पे आए, अगर पहले नंबर पे आते तो मेरा दीवाला नहीं निकलता। चौथे नंबर पर कोई बात नहीं, मम्मी पापा रहे बहुत, कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी। बस एक ही बात बोलते थे, मम्मी पापा यार इतना तेरा परिवार हो रहा है, कुछ कर। करने की कोशिश कर रहे थे, पर गलती एक जगह हो रही थी अपने अंदर। पिताजी ने साला एक कहानी सुना दी थी अपने को बचपन में, आज बता रहा हूं मैं आपको, रियली मैं कहानी तो मुझे आज तक याद नहीं हुई रही, पर दिमाग में वो बात जरूर बैठी हुई है आज तक। पिताजी ने कहानी सुनाई थी, कहानी आज तक मुझे पता नहीं है, भूल गया कहानी को, पर एक बात आज तक नहीं भूला। पिताजी ने बोला था कि जीवन में जो भी करो साला टॉप लेवल पे करो, नंबर वन पे करो, वरना मत करो। अभी अपन नौकरी के लिए घूम रहे हैं तो टॉप की के लिए, हाई स्कूल थर्ड क्लास मिलती क्या? आप बताओ मिलती क्या है? हेलो भाई साहब, एक यकीन बात है कि नौकरी मिल जाती। सन 83 में हाई स्कूल किया था, फिजिकली स्टैंडर्ड थे, नौकरी मिल जाती। पर किस लायक थी नौकरी हमें? मुझे कौन सी नौकरी मिलती, फौज की या पुलिस की? वो ट्राई नहीं की, वो ट्राई नहीं की। बस दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि टॉप में करना है, जो भी कुछ करना है टॉप की नौकरी। हाई स्कूल थर्ड क्लास को कहां मिले, बहुत धक्के खाए, पर खाए टॉप की के लिए। इतने धक्के खाए कि जूते घिस गए, टांगे घिस गई, टॉप की नौकरी नहीं मिली। बहुत काम किए, उसके बाद बिजनेस की तरफ मुड़े। कोई ज्ञान नहीं बिजनेस का, खुर्जा शहर से रहने वाला हूं, साला एक बोर्ड आज भी लगा मिलेगा खुर्जा शहर में, साइन ट्रेडर्स। 20 एजेंसी ले ली अच्छी कंपनियों की, बंसल मार्केट में 20 एजेंसी ले ली, 200 खत्म, पैसा डुबा के घर आ गए। उसके बाद डेयरी खोल ली, डेयरी खत्म, वापस घर आ गए। हाल ये चल रहा है कि सोना पकड़ रहा हूं, मिट्टी हो रही है। अब ऐसे में हम ना जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं अपनी ग्रह दिखवाने के लिए, अपने नक्षत्र दिखवाने के लिए, दुनिया भर में घूमते हैं। मेरे माँ बाप भी घूम रहे थे, परेशान हो रहा था मैं। और यही कैरियर में, इसी चलती हुई जिंदगी में टेंशन दिमाग में इतनी हो गई कि कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है, और मैं हार नहीं मान रहा हूं। जीतने की जिद भी साली बड़ी तगड़ी होती है, जिसके अंदर हो वो कहीं ना कहीं जीतेगा जरूर, पक्का। हार नहीं मान रहा हूं, और इसी चलती हुई जिंदगी में साला टेंशन में दिमाग फटता था, टॉप पिताजी का दिमाग में भरा हुआ था, तो टॉप के शराबी बन गए हम, जिसे टॉप के बोलते हैं। धक्के खा खा के मम्मी पापा निकल गए मेरी जिंदगी से, जिम्मेदारी पूरी परिवार की आ गई, और जिम्मेदारियों को निभाने में टॉप का कर्जा भी अपने ऊपर हो गया। पर हार फिर भी नहीं मान रहा हूं, हार नहीं मान रहा हूं फिर भी। पर मैं नमन करता हूं परमात्मा को कि ईश्वर की, हमेशा बोला करता हूं कि इंसान की जिंदगी, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके साथ दो प्लानिंग आती हैं, एक मैन प्लानिंग और एक ईश्वर की प्लानिंग। मेरी हालात ये हो गए थे कि मैं आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, पर उसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और हिम्मत मुझे आज पता चलती है कि परमात्मा की प्लानिंग में कुछ और था। उसकी प्लानिंग को हम काट सकते हैं क्या? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं उस परमात्मा का, और एक जोरदार ताली उसके लिए बजाइएगा, ऊपर वाले के लिए। थैंक यू वेरी मच। चल रही थी जिंदगी, घिसट रही थी जिंदगी, अंधेरी हो गई जिंदगी, बिल्कुल बेकार हो गई जिंदगी।
एक मोड़ पे एक शख्स मिले महात्मा जी, उन्होंने तो शराब छोड़ा ली, वादा कर शराब नहीं पिएगा, 18 साल हो गए भाई, हाथ नहीं लगाया, पर दिल में कुछ करने की गुंजाइश थी, तमन्ना थी। फिर जाके खुर्जा में साली एक दुकान ले ली किराए पर, और फिर एजेंसी ले ली, और फिर सेल्समैन स्टार्ट। हार तो मान ही नहीं रहा था मैं, दिमाग में एक ही बात थी कि साला कहीं ना कहीं कामयाब तो होके रहूंगा। और दिमाग में जो चलता है एक बार परमात्मा भी सुनता है, हाँ कि ना? मेरी बात सही लगे हाँ में जवाब दे सकते हैं, गलत लगे तो ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ नहीं कर सकते तो मुंडी हिला देना, मैं समझ जाऊंगा कि मुंह में तकलीफ है। हेलो। और उसी चलती हुई जिंदगी में और अनजाने में परमात्मा स्वयं आके किसी की सहायता नहीं करते, किसी न किसी को माध्यम बनाते, और वो माध्यम बनाया परमात्मा ने अनजाने में मेरी सिक्स अंधेरी जिंदगी में एक शख्स को भेजा, और उस शख्स ने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया। मैं ऋणी हूं, जब तक जीवन में सांस है आभारी हूं उस शख्स का, कृतज्ञ हूं उस शख्स का। कभी कभी तो मन करता है कि अपना सर उसके चरणों में रखूं हर समय, और वो कोई और नहीं, आज आपके बीच में बैठे महागुरु जी जसवीर सर थे। एक जोरदार ताली कर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ में नहीं आता आपका कर्जा कैसे मिटाया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूंगा मैं आपका पूरा जिंदगी भर। आप मुझे इस कंपनी में लेके आए, इस कंपनी में आया, इस कंपनी में आने के बाद मैंने प्लान देखा तो सबसे पहली चीज आती है, आपको कामयाब होना है कहीं भी, सेफ शॉप में ही नहीं, कहीं भी कामयाब होना है आपको, तो सबसे पहली चीज आती है विश्वास। क्या चीज आती है? क्या आता है? विश्वास। हम जब मंदिर में जाते हैं ना, तो मूर्ति पत्थर की बनी हुई होती है, उसमें भगवान में विश्वास करते हैं, हाँ कि ना? माँ बाप में विश्वास होता है, परमात्मा किसी ने देखा नहीं है, परंतु एक विश्वास होता है कि परमात्मा है। मैंने सबसे पहले विश्वास किया अपने अपलाइन के ऊपर, बिलीव किया और ज्वाइन हुआ। फर्स्ट डे से मेरे को विश्वास था, और एक बात पर विश्वास हो गया कि जब महागुरु जी ने मेरे को यह प्लान दिखाया, तो उस उम्र में, छोटी सी उम्र में महागुरु जी ने मुझे बताया कि मैं इस कंपनी की वजह से मोबाइल मेंटेन कर रहा हूं और ये मोटरसाइकिल मेंटेन कर रहा हूं। 17 साल की उम्र और मेरी 43 साल की उम्र, दो बात हो सकती है यहां पर, कि या तो मैं ये कह सकता था कि तुम्हारी उम्र से मेरे बच्चे बड़े, तुम मुझे क्या ज्वाइन करवाओगे। मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव बात आई जो मैं आज आपको बता रहा हूं, एक बहुत पॉजिटिव बात आई कि 17 साल का लड़का अगर यहां से पैसा कमा सकता है, तो साला तू 43 साल का लाल बहादुर शर्मा यहां से पैसा कैसे नहीं कमा सकता। धन्यवाद। विश्वास किया अपने अपलाइन के ऊपर, ज्वाइन किया, और पूरे 16 साल हो गए आज तक अपने को विश्वास है, क्योंकि मैंने एक बात जानी सेफ शॉप में आने के बाद, कोई भी अपलाइन अपनी टीम का अहित नहीं चाहता है। चाहता है क्या? तो मुझे आज भी विश्वास है अपने अपलाइनों के ऊपर, मेरे 7 अपलाइन है, 7ों के ऊपर विश्वास है। मेरे मन में एक ही बात रहती है कि वो कभी तेरा अहित नहीं चाहेंगे, जहां भी जाएंगे साला भलाई करेंगे। बिलीव किया मैंने। थैंक यू। मैं एक बार भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, और कहूंगा तो साला टॉप की बजानी है, नहीं तो नहीं बजानी है, बिल्कुल नहीं बजा। उसके बाद विश्वास किया मैंने सिस्टम के ऊपर, सिस्टम की बातों के ऊपर, अंधा बिलीव किया मैंने
क्या आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते? आपको एक साल प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा तो दौड़ जाएंगे? नहीं। आपको ना घी दूध ड्राई फ्रूट सब खाने के लिए दिया जाएगा तो दौड़ जाएंगे? नहीं। और अगर कार की चाबी दे दी जाए तो दौड़ जाएंगे कि नहीं दौड़ जाएंगे? अरे 100 की तो बात छोड़ो, 200 किलोमीटर आगरा लखनऊ हाईवे पे गाड़ी चली जाएगी, हाँ कि ना? तो विश्वास था मुझे सिस्टम के ऊपर, पावर मेरे में नहीं है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दौड़ने की, पावर साला कार में है कि जो कार 200 की किलोमीटर की घंटा की चाल पे दौड़ जाएगी और मेरा सफर हो जाएगा। मैंने हवाले कर दिया अपने अपलाइन के और अपने सिस्टम के, सिस्टम में बैठ गया साला। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी उठाकर कितना भी कामयाब कर सकता है ये सिस्टम, किसी भी व्यक्ति को। उसके बाद विश्वास किया मैंने अपनी कंपनी, ग्रेट कंपनी सेफ शॉप के ऊपर। 16 साल हो गए, पहले दिन से, फर्स्ट डे से लेके आज तक बिलीव किया मैंने तीन के ऊपर। तीन कौन कौन? सबसे पहले मेरा अप्लाइन, दूसरा सिस्टम और तीसरा कंपनी। इन तीन के सिवा चौथे नंबर पर जो बिलीव किया, वो साला खुद के ऊपर बिलीव किया कि मैं करके दिखाऊंगा और मां बाप का संस्कार साला टॉप पे जाके दिखाऊंगा, रास्ता मिल गया है अभी। उसके लिए कब, 16 साल हो गए दोस्त, मेरी जिंदगी में, यहां तक कि कोरोना में भी जब दुनिया बंद थी तब भी एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने सेफ शॉप में काम न किया हो, एक दिन ऐसा नहीं है, एक दिन। जिन्होंने ज्वाइन करवाया आज यहीं बैठे, एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन उन्हें यह कहना पड़ा हो कि लाल बहादुर तू शर्मा तू चार जाके डीडी निकाल। साला खुद ही कमिटमेंट लिया और खुद ही करके दिखाया। क्या करके दिखा सकते? करके दिखा सकते? जब ये तीन चार काम किए तो सेफ शॉप ने दिया क्या जानना चाहते हो? दिया क्या जानना चाहते हो? हेलो, जब ये सफर शुरू किया था मैंने तो तन पे एक ही जोड़ी कपड़ा, पैरों में हवाई चप्पल, कोई साइकिल भी नहीं थी। लोगों के सामने बहाने आ जाते, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 16 साल से देख रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, हजारों लोगों से मिला, कहां मैं पढ़ा लिखा कहां हूं, मैं कहां कर सकता हूं? तो साले तू खा ही सकता है, कर कुछ नहीं सकता, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं गरीब घर से हूं। साला बहाना, एक बहाना नहीं आया मेरे सामने। ये सफर मैंने पैदल शुरू किया था अपने घर से। आसानी से हो गया होगा क्या? हैं? हेलो, जिसके तन पे साले बेकार से कपड़े, पैरों में हवाई चप्पल, और वो जाके एक मास्टर जी से बोले क्या आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ तुमको लाखों कमा दूंगा, मास्टर जी क्या बोलेंगे? पहले तो ऊपर नीचे देखेंगे, हैं? बोला अच्छा तू, तेरे जैसे भी लाखों कमाने लग गए तो हमारे जैसे मास्टर क्या फिर गोबर डालेंगे? हेलो, आसान नहीं था भाई, आसान तो कुछ होता ही नहीं, और आसान अगर हर चीज हो जाए तो करने वालों की फिर इज्जत कौन करेगा? क्यों जी? आसान अगर हर चीज हो जाए तो फिर जसवीर सर को महागुरु जी कौन बोलेगा? आसान नहीं था, पर दिल में एक जज्बा था, क्योंकि जिंदगी में एक संस्कार है कि हार तो मैं मानूंगा ही नहीं, साला मैं जीतता ही इसलिए हूं कि
कि मेरे दिमाग में और मेरी रग में हार नाम के लिए जगह नहीं है कहीं भी। मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं। कोई कितना भी मेरा दुराचार करे, लोग मेरी मजाक बना रहे थे और मेरा खून खौल रहा था और मैं एक ही बात बोल रहा था, साला असली बाप का बेटा हूं ना तो करके दिखाऊंगा तेरे को। याद रख, घूम के जब आएंगे तो तेरे को करके दिखाऊंगा। सफर आगे बढ़ा, 9 महीने में 2 लोग, कितने लेफ्ट राइट क्लियर। पहला चेक मेरा, वो तो महागुरु जी की वजह से आया था। महागुरु जी ने एक ज्वाइनिंग लगा दी थी खुद निकाल के, तो पहला चेक आ गया मेरा 185 रुपये का। महागुरु जी ने दूसरी ज्वाइनिंग भी लगा दी, दूसरा चेक भी आ गया मेरा 435 रुपये का। और उसके बाद ठंडन पाल मदन गोपाल, हेलो, उसके बाद कुछ नहीं। 2 लोग 9 महीने में, उन 9 महीनों में एक काम बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ। जानना चाहते हो क्या हुआ? क्या मैं हर एक ट्रेनिंग में आ रहा था, हर एक फंक्शन में आ रहा था और मैं बुकें भी पढ़ रहा था। मेरे को बिलीव था कि एक ना एक दिन मैं इसमें कामयाब होऊंगा। मैं सीख रहा था, साला सीख के तैयार बन गया, एकदम सीख के फिट हो गया। और जैसे ही 2 लोग आए, इतनी फुटबॉल बनाई कि पता भी नहीं पड़ी कि आज लाखों की टीम कैसे बन गई, ये मालूम भी नहीं चला मेरे को। दो के 200 कब हुए, 2000 कब हुए, 2 लाख कब हुए? आज टीम साइज कितने का लीड कर रहा हूं जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? 10 लाख से ऊपर की टीम लीड कर रहा हूं आज मैं। हेलो, सफर शुरू किया था आज, ये सफर मैं कौन सी गाड़ी से करता हूं? सबको पता है टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, सबको मालूम है। 5 बीघे जमीन थी आज, उस गांव का सबसे टॉप जमींदार आपके सामने खड़ा है, उसी गांव का सबसे टॉप जमींदार। देश विदेश की यात्रा, विशेष जी बता रहे थे, मैं 16 कंट्री घूम गया। लोग बोलते हैं दुनिया देखी है, लोग ऐसे बोलते हैं दुनिया देखी है। मैं बोलता हूं दुनिया देखी है तो पासपोर्ट निकाल कहां है? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? देखो गिनती में गिन लो, 8-10 लोग हैं बस। बिना पासपोर्ट के दुनिया दिखती है क्या? दुनिया की तो बात छोड़ो, सही ढंग से लखनऊ नहीं दिखता है। लखनऊ भी बहुत बड़ा है, लखनऊ का कोई 5-स्टार होटल ऐसा नहीं है कि जिसमें लाल बहादुर शर्मा ने रुका हो, एक भी। पूरे 10 साल हो गए लखनऊ में आते आते, लखनऊ में इतनी सी टीम नहीं है। इससे ज्यादा का प्रोग्राम इसी हॉल में पिछले संडे में किया है, पिछले ही संडे में। सांस लेने को जगह नहीं थी इसमें। लखनऊ में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों की टीम है मेरी। लखनऊ में 6 डायमंड लिए घूम रहा हूं मैं। मुझे तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं एक ही बात बोलता हूं फिर विश्वास पर लौट के आ जाता हूं मैं। अमेरिका कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा हाथ खड़ा करो। हेलो, अमेरिका है दुनिया में? है दुनिया में? भाई साहब मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं है, झूठ है, बकवास है। आप बताओ है दुनिया में? है, है? पक्का है? आप कह रहे हैं? आप गए? खड़े होना थोड़ा। मैं 1 लाख रुपया की शर्त लगाता हूं है नहीं अमेरिका? 1 लाख रुपया की शर्त लगाता हूं कहीं नहीं है अमेरिका। है अमेरिका? है भाई, यार काय को झूठ बोल रहे, कहां है अमेरिका? अमेरिका है? हेलो, अमेरिका है?
देखो कितनी जिद लगा रहे, गया एक भी नहीं है। क्या ये, क्या है ये विश्वास? सिर्फ गया तुम में से एक भी नहीं है, मैं भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया और तुम भी नहीं गया, और जिद लगाने को तैयार हो कि विश्वास। क्या है ये विश्वास? मिलन जी खड़े हो ना, स्टेज पे आओ, थोड़ा जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। ये दोनों डायमंड नहीं है क्या? है डायमंड है कि नहीं है? जब अमेरिका पर जिद लगा सकते हो तो डायमंड पर जिद क्यों नहीं लगा सकते? जिस दिन डायमंड पर जिद लगा ली उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। बोला हमने आंखों से देखा डायमंड। थैंक यू। मैंने डायमंडों को आंखों से देखा था, सेम आपकी तरह मैंने देखा था आगरा में सूर सदन में ओम प्रकाश जी को, देखा था जैन साहब को, देखा था नरसिंह ग्रेवाल को। मेरे तीन अपलाइन थे, तीनों डायमंड नहीं थे, पर मैंने डायमंडों को देखा था, अड़ गया था मैं पब्लिक में। डायमंडों को देखा है मैंने, डायमंडों की लाइफ स्टाइल देखी है मैंने, डायमंडों के अचीवमेंट देखे मैंने। साला एक बार डायमंड बन के दिखाऊंगा। जो चीज हमने देखी नहीं है उसके ऊपर हम शर्त लगाने को तैयार खड़े, जिससे हासिल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हासिल हो सकता। अमेरिका हो भी तो क्या तुम करोड़पति बनने वाले हो? तो कौन सी कार आने वाली है? परंतु जिद लगाई मैंने कि डायमंड है, अगर ये डायमंड बन सकते तो लाल बहादुर शर्मा भी डायमंड जा सकता है। जिद लगाई मैंने, विश्वास किया, बिलीव किया मैंने। क्या आप विश्वास कर सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया कौन पीछे आया। पीछे खड़ा था भाई साहब, मैं भी पीछे वालों, मुझे भी सीट नहीं मिली थी सूर सदन में, वहां से सुना था मैंने डायमंडों को, और वहां उस दिन सूर सदन में मुट्ठी बांधी थी। आज तक कोई माई का लाल मुट्ठी खुलवा नहीं पाया और जिंदगी भर खुलवा नहीं पाएगा, जीवन भर खुलवा नहीं पाएगा। हेलो, मार्केट में निकले, फील्ड में निकले, फील्ड में निकले, लोग समझाने लग गए, लोग समझाने लग गए, तरह तरह की बात समझाने लग गए। वो तो समझ में अब आता है कि समझाने क्यों लग गए। हाँ जी, आपकी समझ में आती है लाखों की बात है? नहीं आती। हमारी समझ में आती है नौकरी वाली बात, 20,000 कैसे कमाएंगे, क्योंकि हम साला उस वाले माहौल में रहते क्या, जहां दहेज में मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी, थोड़ा सरकारी नौकरी पे बेटा लग गया तो किसी बेटी वाले को बैंगन हार कैसे देगा। उस वाले माहौल में रहते खुद के दम पे बताओ तुम्हारे मोहल्ले में कौन BMW लेके आया है, खुद की कमाई से बताओ तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में कौन फॉर्च्यूनर लेके आया है, खुद साला कमा के पसीना बहा के। क्योंकि हम उस वाले माहौल में, समझ में इसलिए नहीं आती हमारे बात। बेटा बड़ा हो गया, साला घर में बेड भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इंतजार करेंगे कोई बेटी वाला आएगा और दहेज देगा, ससुराल से मोटरसाइकिल देगा। उस वाले माहौल में हम रहते, समझ में इसलिए नहीं आती। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, क्यों समझ में नहीं आएगी, तैयार है? एक बार क्या है कि एक समुद्र की मछली गलती से एक कुआं में गिर पड़ी, और कुआं में एक मेंढक रहता था, और मेंढक ने मछली से कहा, बोला तुम कहां से आई हो? बोला मैं समुद्र से आई हूं। कि ये समुद्र कितना बड़ा होता है? बोला ये तो बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने ऐसे दोनों हाथ करके बोला, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं नहीं इससे बड़ा। तो मेंढक ने फिर ऐसे करके बोला, इतना बड़ा? बोला नहीं नहीं इससे भी बड़ा।
तो फिर मेढक ने क्या काम किया, ऐसे कुआ की दीवार पर दौड़ के गया, ऐसे बोला इतना बड़ा। मछली बोली नहीं नहीं इससे भी। तो मेढक बोला तू झूठ बोल रही है। क्या मछली झूठ बोल रही थी? है नहीं ना। तो क्या मेढक गलत था? मेढक भी गलती नहीं था। अरे गलती उसकी भी नहीं है जिसके समझ में से अब साफ नहीं आ रही है, क्योंकि उस लाखों के माहौल में है ही नहीं, है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। गलती उसकी भी नहीं है और गलती यहां डायमंडों की भी नहीं है, क्योंकि ये लाखों के माहौल में है, लाखों की बातें करते हैं, इसलिए समझ में आ रही है इन डायमंडों की। अगर वहां से हटेंगे तो ये जगह आपका इंतजार कर रही है, ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है। यहां नहीं है यार कि सीएम एक होगा, डीएम एक होगा, गांव का प्रधान एक होगा। यहां नहीं है रिलायंस की फैक्ट्री क्या जो वैकेंसी खत्म। यहां साला जिसमें जज्बा हो, जिसका खून गर्म हो, जिसमें करने की तमन्ना हो, उसके लिए खुली स्टेज है, आह्वान करती आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जिसमें दम है अपने खानदान का नाम रोशन करने का, जिसमें दम है अपने सपनों को पूरा करने का, जिसमें दम है अपना नाम रोशन करने का, साला वो जगह है यहाँ। आ जाओ जिसमें है दम, वो आ जाओ यहाँ खड़ा होके, वो डायमंड बनेगा यहाँ। दोस्त, हाई स्कूल थर्ड क्लास, आज नाम बोलो है क्या नहीं। साला आज मैं अगर दामों की बात करूं, कभी सोचा भी नहीं था, और मुझे पढ़ाई का महत्व आज समझ में भी नहीं आता। आज हाई स्कूल थर्ड क्लास के साला पैसों की काउंटिंग करने के लिए सीए बैठा रहता है, सीए करता है, मैं नहीं करता। इस महीने बजट कितना बनाना है वो सीए बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। हेलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो समझ के आएंगे या समझा के आएंगे? समझ के आएंगे या आज के बाद समझ के आएंगे या चलो सामने वाले को समझा के आएंगे? मैं जिस दिन से आया हूं आज तक अच्छे अच्छे को समझा दिया भाई साहब, अच्छे अच्छे को। जो अपने आप में ये बनता था ना कि मैं तुर्रम खाऊं इलाके का, उसको भी समझा दी सेब शॉप की पावर, कि ये सेब शॉप की पावर है। टीम बनाई ना, ऐसे लोगों की टीम बनाई, शुरुआत में ही समझा दी सेब शॉप की ताकत। साला मैक्स हॉस्पिटल में घुसेड़ दी टीम जाके, और एमबीबीएस डॉक्टर लाइन लगा के ज्वाइन करवा दिया। ये है पावर साला सेफ शॉप की। थैंक यू। तुम समझा के आओगे या समझ के आओगे, फर्क इस बात पे नहीं पड़ता। क्या है, एक बार ना एक भैंस, कितने लोग हैं गांव के, थोड़ा हाथ खड़ा करो, गांव से कितने लोग हैं? अरे सारे ही गांव के यार। ताली बजाओ जोरदार, जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच। होता क्या है, यहां आने के बाद हम समझ के आ जाते हैं। बोला मेरे पप्पू ने की थी। एक भाई साहब में चला गया मागरू जी जोधपुर में, एक भाई साहब कह रहे तुम्हारे जैसे टाई वाले मैंने ऐसे ही रोड पे देखे। साला इतना गुस्सा आया, मैंने कमिटमेंट किया मैं तेरे घर में से अगर बच्चे बच्चे की डीडी नहीं निकाली ना तो मेरा भी नाम लाल बहादुर शर्मा नहीं है, है ना। पंगा किसने लिया तूने? क्या है, लोग ना तरह तरह की बात करते हैं। मैंने ये कंपनी कर ली, मैंने वो कंपनी कर ली, मैंने ये कंपनी कर ली, वो कंपनी कर ली, फलाना कर लिया, ढिमका 20-20 कंपनी कर ली। मैं बोलता हूं सेफ शॉप की क्या, सेफ शॉप की क्या, साला सेफ शॉप कर और करना सीख, और 4 से 5 साल डट के पसीना बहा
फिर देखते हैं काम होता है कि नहीं होता। एक सेप्स अप की भाई साहब एक सेप्स अप की बस, एक कंपनी का प्लान देखा बस आज तक, दूसरी कंपनी का प्लान देखने का मौका ही नहीं मिला कहीं, सिर्फ एक कंपनी की सेप्स अप। साला अपना खानदान का सबसे टॉप रईस आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है सिर्फ एक कंपनी की वजह से, एक कंपनी की वजह से। चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैंने करके छोड़ दी, अभी महीना भर पहले की बात है, मैं किसी गांव में चला गया, वो मेरे को पहचानता था, मैं नहीं पहचानता था। उसने देखा मैं गली में किसी का इंतजार कर रहा था खड़े खड़े, उसने देखा बोला अरे सर आप यहाँ कैसे खड़े। मैंने कहा यार मेरी मौसी है उस लड़का के इंतजार में खड़ा हूँ। बोला सर मैं नहीं पहचाना। मैं नहीं तो बोला सर मैंने सेप शॉप की थी। मैंने अच्छा अभी भी कर रहा है। बोला नहीं अभी तो नहीं कर रहा। बोला आ जाओ। बड़ी इज्जत से उसने बुलाया, घर पे बिठाया। मैंने उससे बातचीत की, मैं टाइगर तूने छोड़ क्यों दी। बोला सर मैं वो टीम भग गई, ऐसे अब होती नहीं है और इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे करके बोला। अच्छा। मैंने उसका घर का दरवाजा देखा, थोड़ा गांव का दरवाजा था, ठीक ठाक था, चौड़े वाला। मैंने कि टाइगर अभी आ रहा हूं मैं गया और अपनी फॉर्च्यूनर स्टार्ट की और घुमाया और मागुरु जी साले घर में जाके खड़ी कर दी दान ऐसी ना। और उसकी पत्नी और बच्चों को बुलाया यहां। बोला जी सर मैं तुम्हारा बाप कहता है कि साला सेफ टॉप में कुछ नहीं कहता। यहां आई क्या बाजरा बेच के आई है, ये क्या बेच के आई है, होता है कि नहीं होता। हाँ इतना है कि तुम्हारा बाप इसे लाना नहीं चाहता, मेरे में जज्बा में लाऊंगा। भाई साहब पानी उतर गया, मैं तेरे पे होता नहीं है, अभी दोबारा कर रहा है वो, अभी दोबारा सेप सॉप कर रहा है। आप समझ के आ रहे हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि समझ के आ रहे हो या। एक बार क्या है, एक भैंस बीमार पड़ गई। भैंस समझते हैं, समझते हैं? मैं समझा यार नहीं समझ, जानते होंगे लखनऊ वाले। भैंस बीमार पड़ गई और डॉक्टर आया, भैंस इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको इंजेक्शन लगाया जा सके। और डॉक्टर के दिमाग में एक बात थी कि कैसे भी दवा इसके पेट में चली जाए। तो डॉक्टर ने एक तरीका निकाला, एक पाइप लिया और भैंस के मुंह पे लगा के और वो इंजेक्शन यहां लगा के फूंक मारनी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही डॉक्टर फूंक मारता भैंस ने पीछे से फूंक मार दी। अभी दवा कहां गई, कहां गई? डॉक्टर के पेट में। अभी साला बच्चा भैंस को देना था, बच्चा देने का मन डॉक्टर का कर रहा है। कुछ करिए धन्यवाद। सैम हमारे साथ होता है, हम जब जाते हैं ना फील्ड में, वो बैठे बैठे हैं वो बढ़िया वाले, एक मारेंगे भाग के कहां घुसेंगे साला, उससे डर के घुसेंगे या करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। एक ने समझा दिया हम समझ के आ जाते, आज के बाद समझा के आएंगे के समझा के आएंगे पक्का। डायमंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पक्का? ट्रेनिंग में आ पाओगे? दूसरी बात, करने का कमिटमेंट, लास्ट एंड फाइनल बात, करने का वायदा। मैं दो ही बात बोला करता हूं, वायदा और इरादा। हाँ साला वायदा किया शाहजहां ने मुमताज से, ताजमहल बनवा दिया, बनवाया कि नहीं बनवाया? एक हम निकम्बे लोग हैं, अपनी मुमताज से रोज वायदा करते और रोज झूठे पड़ जाते। हेलो, बेचिंता रहे इस वाले, इस वाली करवा चौथ पर तेरे लिए क्या बनवा दूंगा, सोने का हार।
और फिर बजट दिखाना शुरू कर देता है, 15 साल हो गई शादी को। हेलो, मैं अगर जिस दिन से सेफ शॉप में आया हूं, वायदा कर दूं अपनी धर्म पत्नी को, मैं एक ही बात बोलता हूं कि साजा हूं नहीं जो तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, पर लाल बहादुर शर्मा उसे सौंप हाथ में साला शानदार कोठी जरूर बनवा दूंगा तेरे लिए, याद रख। थैंक यू। वायदा किया अपने अपलायन से मागरुचि डायमंड बनके दिखाएंगे, साला बनके दिखाया। वायदा किया इलाके में, लोग बोलते थे तू डायमंड बनके दिखाएगा, हाँ हम डायमंड बनके दिखाएंगे, वायदा किया तो बनके दिखाए। अभी वायदा करता हूं मागरू जी, वायदा करता हूं लखनऊ में साला 1000 से कम डायमंड नहीं बनाऊंगा, 1000 तो बनाऊंगा लखनऊ में। थैंक यू, शुक्रिया। और डायमंड बनने के लिए फाइनली एक ही बात होनी चाहिए, टांगों में दम होना चाहिए व्यक्ति के। दम है क्या? पक्का? कितने लोगों में दम है? पक्का? तो खड़े हो अपनी सीट से। देखो, सिखाने के लिए महागुरु जी हैं आज, मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं आपको। महागुरु जी का समय अनमोल है, और महागुरु जी ना मेरे जैसे आइटमों को साला हजारों को करोड़पति बनवा दिया। रोल मॉडल है, उनकी एक एक बात में जादू है। मैं एक ही बात बोलता हूं कि उनकी एक बात को अगर कोई व्यक्ति मान जाए साला उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ज्यादा समय उन्हीं का लेना चाहिए। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे साथ डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपको वायदा करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक जीवन रहेगा, तब तक मैं, तब तक आप लोगों के, आप एक कदम बढ़ाएंगे, असली बाप का बेटा नहीं है लाल बहादुर शर्मा जो पूरी जिंदगी आपके साथ न लगा दे तो। क्या आप खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे तो तेज आवाज में, पूरी फुल आवाज में 72,000 नाड़ियों का जोर लगा के मेरे साथ बोलना है। बोल पाएंगे? पक्का बोल पाएंगे? आई मैं, आई मैं, आई मैं, आई मैं, आई मैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड। आई मैं।